गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 10 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो महिमा और श्वेता जो है आपस में बात कर रहे होते हैं, ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और सभी बच्चों को मुश्किल लगते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो चाहे कितने भी होशियार हों, शुरू में ये क्वेश्चन जो है तो सबको मुश्किल लगते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इनको, ठीक है। महिमा आस्क्ड श्वेता, महिमा जो है श्वेता से पूछती है, श्वेता टोल्ड दैट हर एज, उसकी एज पूछती है। श्वेता कहती है कि हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर, उसकी एज और उसके भाई की एज दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। देखो, इवन नंबर 2 और 8 दोनों इवन नंबर हैं, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। ये दो यानी कि 2, 2 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है, 4, 4 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है, 6, 6 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है, 8। तो 2 और 4 कंसेक्यूटिव है, 4 और 6 कंसेक्यूटिव है, 6 और 8 कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो लगातार दो इवन नंबर उनकी एज है और जिसका सम है 30। नाउ कैन यू गेस हाउ ओल्ड आई एम। तो चलिए हम मान लेते हैं कि श्वेता की एज 2x है, क्योंकि किसी भी नंबर x नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो फिर वो नहीं हो सकती। 2x मानेंगे क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो अब 2x है तो उसमें 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 2 प्लस 4 2, मतलब 2 ऐड करने के बाद आ रहा है ना अगला इवन नंबर, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8। तो इस वाले जो इवन नंबर हमने 2x माना तो उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा अगला इवन नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम, उसने कहा इसका सम, उसके भाई की एज ये हो गई, तो इन दोनों का सम हो गया 30। तो इसको सॉल्व किया, 2x और 2x कितना हो गया, 4x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये जब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 28 और 4 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14 ईयर। तो श्वेता की एज कितनी है, 14 ईयर्स है, था ना आसान क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट है। अब प्रवीण के एक पास 180 रुपये हैं, तो वह कहता है कि इस 180 रुपये में ना सिर्फ मेरे 2 और 5 के ही कॉइन्स हैं और कोई कॉइन नहीं है, ठीक है, 10 का कॉइन नहीं है, कोई और 1 रुपये का कॉइन नहीं है, बस 2 और 5 के ही हैं। लेकिन वो कहता है कि जो 2 के कॉइन है वो डबल है 5 के, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि मान लो मान लो एक्स मान लो, उसने मान लिया कि पिगी बैंक में एस कॉइन थे, ठीक है, किसके, 5 रुपये की। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उन कॉइन की, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास 2 रुपये के 4 कॉइन हैं, तो कितने रुपये हो गए आपके पास, 2 × 4 8 रुपये हो गए। अगर मैं आपको कहूँ 5 रुपये के आपके पास 3 कॉइन हैं, तो वैसे 3 कॉइन 5 5 5, ठीक है, 5 × 3 = 15 हो गई। तो वैल्यू निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ठीक है। तो फिर हमने इसको मान लिया 2s कॉइन, तो s × 5, ठीक है, और 2s × 2, क्योंकि ये तो 2 के कॉइन हैं और ये 2 की वैल्यू हो जाएगी, ये होगी 180। तो 9s आ गया, उसके बाद इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, फिर s 20 हो गया और 2s 2 × 20 हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वीना टू कैन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। वीना क्या करती है, एक एग्जाम देती है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो वीना जो है 80 मार्क्स अचीव करती है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं। तो मान लो करेक्ट आंसर किया उसने जे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसने करेक्ट किया, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, मैं आपको कहती हूँ कि आपके छोटा छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, मैं आपको कहूँ कि आप 10 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में और 7 आपके ठीक है, तो आप 10 में से 7 माइनस कर लोगे, तो यानी कि 3 गलत हुए ना आपके, ठीक है, यानी कि अगर 10 में से आपके 7 ही नंबर आए तो इट मीन्स 3 गलत हो गए आपके, 3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। तो सेम इसी तरीके से मैंने जे मेरे क्वेश्चन ठीक हैं और टोटल किसने क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं, 50 में से जे को माइनस कर लूँगी तो मेरे कितने आ जाएंगे, इनकोरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। 4j+, ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे तो माइनस करना है ना, करेक्ट आंसर्स में तो माइनस होगा ना, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 4j − 150 − j = 80, ठीक है। 4j − 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा, मैंने पिछली बार सिखाया था आपको, 80 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आ गया होगा। तो 4j + 1j कितना हो गया, 5j हो गया,
ठीक है। अब ये यहाँ पे किसका माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 50। तो कितना आ गया, 5j इज इक्वल टू 130। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। अब वैल्यू क्या थी, मेरे करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन 26 हो गए। तो नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 26 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 इंटू 4। तो कितने मार्क्स आ गए, 104 मार्क्स आ गए उसके करेक्ट क्वेश्चंस के। अब इनकोरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए, इनकोरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए, 50 में से आप 26 माइनस करो तो कितने हो गए, 24। अब 24 का एक मार्क्स कटा था ना, मतलब करेक्ट में से तो कटेगा, ठीक है ना। ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जब हम नेगेटिव मार्किंग होती है तो 104 में से आप 24 घटाओगे तो ये तो आ गया इनकोरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 24 में से अगर आप मार्क्स निकालते हो इसके तो 0 और 80, तो 80 आ गया, उसके 80 मार्क्स आए थे। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे गलत कर रखा है इन्होंने, इसको ठीक कर लेना। तो द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि देखो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 7 है, दूसरा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 14 है, तीसरा नंबर 21 है। तो इसी तरीके से हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा लेना है, लेकिन उसमें ये कह रखा है कि उनका सम सम दे रखा है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है। तो मैंने एक एक्स मान लिया और दूसरे नंबर 7 में जमा कर देंगे, क्योंकि 7 एक्स एक्स प्लस, तो ये हो गया 2x+7 इज इक्वल टू 343। तो 2x इज इक्वल टू 343 माइनस 7, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 1 जा, ठीक है, फिर 2 6 जा 168 हो गया। x की वैल्यू 168 आ गई, इसकी वैल्यू 160 आ गई, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे, 168 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 175, ठीक है। तो ये दोनों हमारे नंबर आ गए, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है, समझ के करना है आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।